दिस इज मेगार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अमिताभ और जया बच्चन की लाडली बेटी श्वेता बच्चन नंदा की लाइफ जितनी ग्लैमरस दिखती है वैसे हमेशा नहीं थी। उनकी लाइफ के कई किस्से हैं, कई रहस्य और इसमें कई दुख भी हैं। वैसे आपको बता दें, श्वेता बच्चन नंदा की शादी 21 साल की उम्र में हो गई थी। उन्हें मौका ही नहीं मिला कि वो लाइफ में कुछ कर पाए। श्वेता की शादी कपूर खानदान में ही हुई है। उनके पति का नाम निखिल नंदा है जो कि एक बिजनेसमैन है। आपको बता दें, निखिल नंदा ऋतु नंदा के बेटे हैं जो कि ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर की बहन है। निखिल एस्कॉर्ट कंपनी के CMD यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। आपको बता दें, श्वेता की जल्दी शादी करवाने का मन उनकी मम्मी जया का था, पर साथ ही उस टाइम अमिताभ की ABCL कंपनी जो 1995 में शुरू की गई थी वो काफी ट्रबल में थी। तभी श्वेता की शादी करवानी पड़ी। तभी श्वेता बच्चन नंदा ने अपनी आइडेंटिटी के लिए काफी मशक्कत की। हालांकि वो दो सुपरस्टार की बेटी है, पर फिर भी जिस टाइम इनको कुछ करना था वो नहीं कर पाई। वो हमेशा से शोबिज की लाइमलाइट से दूर रहती थी, पर श्वेता बच्चन नंदा तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने डिजाइनर मोनिशा जयसिंह के साथ मिलकर अपना फैशन लेबल MXS लॉन्च कर फैशन की दुनिया में कदम रखा था। पर आजकल श्वेता इस वजह से सुर्खियों में है क्योंकि इनके ऊपर अपने भाई अभिषेक बच्चन के घर को तोड़ने का इल्जाम लग रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि श्वेता जब से जलसा में आई है और अमिताभ ने अपनी लाडली को 50 करोड़ का बंगला प्रतीक्षा गिफ्ट किया है, तभी से ऐश्वर्या नाराज है। कई बार ये बातें भी सामने आई कि उनका निखिल नंदा से सेपरेशन हो गया है, तभी पापा के घर में रहती है वो दोनों बच्चों के साथ, और अब वो अपने पापा के साथ मिलकर कई प्रोफेशन में अपना हाथ आजमा रही है। उनका पहला कल्याण ज्वेलर्स का एड उनके पापा के साथ ही था, पर वो एड आते ही हटा दिया गया था किसी विवाद के चलते। श्वेता ने मुंबई में अपनी स्कूली पढ़ाई की, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी चली गई। फिर 1997 में जब पढ़ाई पूरी हुई तो वापस आई और फिर इनकी शादी करा दी गई। वैसे इन्होंने CNN, डेली न्यूज इन एनालिसिस, वर्क इंडिया मैगजीन के लिए कॉलम्स लिखना शुरू किया था। साथ ही 2007 में NDTV प्रॉफिट के लिए एक शो को भी होस्ट किया था। श्वेता ने कोशिश करनी कभी भी नहीं छोड़ी। तो वही कुछ ऐसे भी किस्से हैं श्वेता की लाइफ से जुड़े जिनको कोई नहीं जानता अब तक। श्वेता के बचपन के दोस्त करण जौहर हैं, ये तो सबको पता है, साथ ही ऋतिक रोशन भी है। दरअसल एक टाइम था जब ऋतिक और सुजैन के बीच सब कुछ खराब सा हो गया था। तब श्वेता और ऋतिक को लेकर ये खबरें आ रही थी कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ गए। तब श्वेता की निखिल से कुछ प्रॉब्लम भी चल रही थी, पर फिर ऋतिक का नाम कंगना से जुड़ने लगा तो श्वेता ऑटोमेटिकली किनारा हो गई। वैसे अभिषेक की शादी भी करिश्मा कपूर से तय हो गई थी, पर 6 महीने में ही ये रिश्ता टूट गया था, जिसके बाद से माना जाता है कि श्वेता से उनके ससुराल वालों की जो रिश्ते हैं वो बिगड़ने लगी, जो अब तक ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि इतना तो समझ आ ही जाता है कि श्वेता और निखिल सेपरेशन में चल रहे हैं। खैर, जो बीत गया सो बीत गया। अब बात करते हैं श्वेता की ऐश से कैसे रिश्ते रहे। तो आपको बता दें कि पहले तो अच्छा रिश्ता था इनके बीच, पर फिर इनके बीच दरार आई जब से श्वेता ने जलसा में अपने दोनों बच्चों के साथ कदम रखा। इसके बाद कई ऐसे बातों का खुलासा हुआ जहां पता चला कि श्वेता को ऐश की कई हरकतों पर गुस्सा आता है, जिसमें से एक का जिक्र कॉफी विद करण के शो में भी श्वेता ने किया था, जिसमें श्वेता ने कहा था कि ऐश्वर्या कभी भी मैसेज का जवाब नहीं देती या लेट देती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि जया भी ऐश से जलती है, और यही वजह है कि ऐश की ना जया से बनती है ना श्वेता से, और अब तो अमिताभ से भी नहीं। श्वेता की लाइफ काफी उतार चढ़ाव भरी रही, लेकिन अब उन पर जो इल्जाम लग रहे हैं उससे तो यही कह सकते हैं कि श्वेता को सोचना चाहिए कि उनकी लाइफ जब इतनी खराब चल रही है तो अपने भाई की लाइफ खराब करने पर क्यों तुली है। जी हाँ, यही लग रहा है कि वो अपनी भाई की लाइफ भी खराब कर रही है, और हर कोई यही कह रहा है कि जब से श्वेता आई है जलसा में रहने के लिए और उसके बाद प्रतीक्षा अमिताभ बच्चन ने श्वेता को दे दिया है, तभी से ऐश्वर्या नाराज चल रही है, और ऐश्वर्या राय ने भी जलसा छोड़ दिया है। आराध्या को लेकर वो अपनी मम्मी के साथ ही रहती है, और इनके बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और काफ़ी समय से ये अफवाहें उड़ रही हैं। हालांकि अभिषेक बच्चन को भी कई बार देखा गया है, उन्होंने अपना वेडिंग रिंग जो है खोल दिया, लेकिन कई बार उन्होंने ये भी कहा है एक जगह इंटरव्यू में कि हमारी शादी अभी भी है बरकरार, मैं शादीशुदा हूं, लेकिन जो उनकी जो एक्शन है वो कुछ और कहता है और जो उनके बोल होते हैं वो कुछ और होता है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से बच्चन परिवार जो है काफी टाइम से लाइमलाइट में है। क्या लगता है आपको, क्या सही चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है? क्योंकि लोग तो बात करेंगे और लोगों को जो दिख रहा है वही वो
बोल रहे हैं और लिख रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी ऐसे अपडेटेड न्यूज के लिए तुरंत सब्सक्राइब कीजिए श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।